का पाठ किया जाता है। अगर आप इधर नहीं आई तो हम घसक के उधर आ जाएंगे। ये हुई ना बात। अरे क्या खूबसूरत है आप, भगवान ने फुर्सत में आपको बनाया है। आप तो मुझे बहुत पसंद है। दीदी कहाँ है? चलो खाना खा लो, हमको भूख नहीं है, तुम जाओ। माँ बुला रही है, सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो। हमको नहीं जाना, माँ से कह दो हम नहीं आएंगे। एक बात बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही कोई रोता है भला? हमें पता है तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी शादी होने वाली है इसीलिए ना। तुमको कौन बताया? माँ कहती है कि हर लड़की शादी के वक्त रोती है, मगर तुम अभी से ही क्यों रो रही हो? तुम अभी से कह रो रहे, ये बाजे के माँ से पूछ लो, समझे? जाओ इलिन, जाओ। हमको शादी नहीं करना है, हमको ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी ये बिल्कुल लफंगे की तरह दिखता है, माँ और मामा ने पता नहीं इसने कहा देखा, उनको समझ नहीं है। दीदी आप उनको समझाइए। हम इधर उधर की ना तो इधर चाम है एकदम खींच लेंगे, समझी कि नहीं? दीदी शादी के पास बहुत पैसा मिलेगा। अरे पास करवा, फेरे होने से पहले सारे नोट गिन लेना भैया। अरे नीले नीलू कहाँ है? खाना ठंडा हो रहा है। वो दीदी रो रही है, कहती है कि भूख नहीं है। खा, रो रही है, भूख नहीं है। ओ समझी, महारानी को गुमान हो गया है। अरे भास्करवा। जी दीदी। चिड़िया के पर निकल आए, उड़ना चाहती है। अरे दीदी इसमें क्या है, हम उसका पर ही काट देंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ही नाटक बढ़ता ही चला जाएगा। चल खाना ना खा लो, तुम चिंता मत करो, हम उसको देख लेंगे। अरे देखना तो है, लेकिन अभी जब तक ये मामला निपट नहीं जाता ना, खाना हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। चल चल जल्दी। माँ कितने गुस्से में थी, क्या करूं? मैं दीदी को बुलाता हूँ। नया दीदी। हाँ कहा वो, कितने घबराए हुए क्या है? दीदी वो माँ और मामा। माँ और मामा? अरे खुल कर बताना हमसे, क्या बात है? हाँ दीदी वो माँ और मामा जी नीलू दीदी के कमरे में गए और वो बहुत गुस्से में थे। दीदी पता नहीं क्या होगा, आप जल्दी चलिए। तू बिल्कुल मत घबरा, हम चल रहे हैं। अरे भास्कर भलाई का जमाना नहीं रहा भैया। सही कह रही है दीदी। अरे हमने सोचा था खाते पीते घर में इसकी शादी होगी, रानी बनकर राज करेगी, लेकिन इससे तो हमारी छोटी पर ही मूंग दलने में मजा आता है यार। होश ठिकाने लगा दे इसके।
अभी इसका भूत उतार देते हैं दीदी, एक मिनट में। इतना मार, इतना मार के दिमाग ठिकाने पे आ जाए। एक तो इसकी बहन पहले से इस घर में काम पी रही है बैठे बैठे, ऊपर से इस शादी नहीं करेगी। मार मार से खाना नहीं खाएगी, खाना खाएगा। मार फंस करवा और मार। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कौन तरीका है? ए, इस मसले में पढ़ने की कोशिश मत कर। पर इसमें नीलू की क्या गलती है? अरे क्या गलती है ये पूछो कि क्या गलती नहीं की है, है? खाना नहीं खाएगी, रोएगी, कल को इसको कुछ हुआ गया तो हम कहां मार दिखाएंगे दुनिया को। हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग इतना मारे जा रहे हैं? इतनी सी बात? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इतनी सी बात कब बड़ी बन जाती है पता नहीं लगता। अरे भास्करवा, जब से इसकी शादी की बात हुई है ना, इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। खुद को हूर पर ही समझती है, इंद्र की अप्सरा है क्या? ये तो तुम लोगों के भाग अच्छे हैं कि हमरे भाई ने इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता तय कराया, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है। और जिसकी बड़ी बहन को उसके पति ने घर से निकाल दिया, वो बस मां बस, बस मां बस, अबॉर्न, बस मां बस, अबॉर्न।